हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आज इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो है 20th लाइवस्टॉक सेंसस। नाउ 2018 का ये जो 20th लाइवस्टॉक सेंसस है उसकी शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, पिछले लेक्चर में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि सर आपका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते तो मैं आपको बताता। खैर, मेरा नाम अपने आप में कल्चर का टॉपिक है तो इस वजह से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मेरा नाम है सनत दत्त भारद्वाज। नाउ ये तीनों अक्षर जो है, लोग प्यार से मुझे एसडीबी भी बुलाते हैं, एसडीबी सर बोलते हैं, सनत सर बोलते हैं, आप रिस्पेक्ट से इज्जत से कुछ भी बुला सकते हैं। चलिए, नाउ माय पॉइंट इज के जो सनत नाम है वो कल्चर से रिलेटेड है। सनत कुमार इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंट्स जिन्होंने ऋग्वेदिक टाइम्स में ऋग्वेदा में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। इनफैक्ट भारद्वाज इज वन ऑफ द सप्त ऋषिज ऑफ दिस मनवंतर, एंड भारद्वाज के फादर बृहस्पति, बृहस्पति के फादर अंगिरस, अंगिरस इनफैक्ट खुद ऋग्वेदिक टाइम्स के इंपॉर्टेंट सेंट हैं, उनका ऋग्वेदा में कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड उसके बाद ऊपर आते हैं ब्रह्मा जी, तो उसी लिनियज में मेरा जन्म हुआ है। नाउ ऐसा कहा जाता है कि सनत के पास ज्ञान खुद से आता है। ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान में ये जान लेते हैं कि ज्ञान आज किस चीज का मिलेगा। आज हम बात करेंगे 20th लाइवस्टॉक सेंसस की। अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी बातचीत जारी रखिएगा। नाउ इस सेंसस में जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो हम कहां कहां अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, वो सबसे पहले आपके एसेज में यूज हो सकता है, प्रिलिम्स में इसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। जो इसके फैक्ट्स हैं, जो इसके फिगर्स हैं, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज किन किन पॉपुलेशन में हुआ है वो सवाल बनता है। जीएस पेपर 1 में जहां पे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी आती है वहां पे फार्मर्स से रिलेटेड सवाल बन सकता है। ये बहुत ही इनडायरेक्टली रिलेटेड पार्ट है पेपर 1 का ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत। फिर पेपर 2 में जहां पॉलिसी इनिशिएटिव्स की बात होती है, जहां पे एग्रेरियन पॉलिसीज आ जाती हैं, वहां पे दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड इनफैक्ट इसी एक टॉपिक के ऊपर, इसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को खड़ा कर सकते हैं, डबलिंग द फार्मर्स इनकम हो या कोई और भी टॉपिक हो। नाउ जीएस पेपर 3 में इनफैक्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज कंप्लीटली खुद से वर्बटिम डायरेक्टली एक टॉपिक है, तो इस वजह से जीएस 3 के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नाउ इनडायरेक्टली यही टॉपिक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के तहत इंपॉर्टेंट रह सकता है, सिमिलरली ऑन दोस ग्राउंड्स। नाउ इसी वीडियो के एंड में वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड बहुत जल्द हम इसी प्लेटफॉर्म में थोड़े एमसीक्यू बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बना के लाया करेंगे आप ही के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक, अब बात करते हैं इस 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2018 की। दिस वाज रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग व्हिच शोड दैट द लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, लाइवस्टॉक मतलब गाय, भैंस, बकरी, पिग्स, आपका पोल्ट्री, ये सारे एम्बिट ऑफ एनिमल्स जो आपको एग्रीकल्चर के एलाइड एक्टिविटीज में आप उन्हें काउंट करते हैं, जो आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। दिस पॉपुलेशन हैज इंक्रीज बाय 4.6%, चाहे थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज ही है 4.6%, लेकिन ये 2012 से लेके 2018 की बात की जाए तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इतना अच्छा इंक्रीज आ रहा है। उसमें कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ एनोमलीज हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। द टोटल नंबर फॉर लाइव स्टॉक वॉज पेक्ड एट अराउंड 536 मिलियन, पिछली बार 512 के करीब था, इस बार 536 हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस लाइव स्टॉक सेंसस, पहली चीज ये कि पहली बार ऐसा नहीं है कि जो ये लाइव स्टॉक सेंसस है वो कंडक्ट किया जा रहा है। हाँ, पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज, जहां पे जो भी सर्वेयर था वो गांव गांव घर घर जाके हाउस होल्ड एंड नॉन हाउस होल्ड सेक्टर में जाके लोगों से जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा था वो सारा का सारा डेटा उसी एरिया में रियल टाइम बेस पे वेबसाइट पे या कह लीजिए जो पोर्टल है उस पे चढ़ रहा था। ऑन दोज ग्राउंड्स इट वाज द फर्स्ट टाइम कि आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके इस सर्वे को कंडक्ट, इस सेंसस को कंडक्ट किया गया। नाउ जो दूसरी खास बात ये है वो प्रिलिम्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये सेंसस हुआ है। पहली बार जब सेंसस हुआ था ये हुआ था 1919-1920 में। 1919-1920 इफ यू रिमेंबर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम 1920 से 22 चली थी, उससे पहले 1919 के जो रिफॉर्म्स आए थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से रिफॉर्म्स आए थे एंड उनकी सबसे खास बात क्या थी। फॉर एग्जांपल, अगर डायर्की इंट्रोड्यूस हुई थी तो कहां पे हुई थी। नाउ अ डिक्लाइन इन इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन, ये पहली बार देखा जा रहा है कि इंडिजिनस पॉपुलेशन से शिफ्ट हो रहे हैं लोग एग्जॉटिक ब्रीड्स की तरफ, जो इंपोर्टेड एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, जो विदेशी गायें भैंस हैं, उनकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है लोगों का रुझान। द काउ बेल्ट हैज शिफ्टेड ईस्टवर्ड्स, पहले जो काउ बेल्ट थी, मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करें ईस्ट से वेस्ट का, तो उस काउ, उसको अगर हम ये देखें कि कितनी कितनी काउ की पॉपुलेशन, गाय की पॉपुलेशन ईस्ट से वेस्ट तक कहां है, तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि एक मीडियन कह सकते हैं आप कि इंडिया को डिवाइड करता है, एक तरफ और दूसरी तरफ बराबरी की पॉपुलेशन हो। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिस इज इंडिया। नाउ मेरी ड्राइंग अच्छी होती तो मैं शायद फाइन आर्ट्स लेता। नाउ मान लीजिए कि ये इंडिया है, सिर्फ मानना है, तो पहले क्या था कि जो मीडियन था वो मीडियन यहां आ रहा था यूपी को टच करता हुआ, अब ये मीडियन शिफ्ट हो गया है ईस्टवर्ड। कारण क्या है कि यहां एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, जो बीफ बैन के खिलाफ बात भी करते रहते हैं, बट पॉलिटिक्स अपार्ट, नाउ वेस्ट बंगाल में कैटल की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन लीविंग बिहाइंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए वेस्ट बंगाल जो है कैटल पॉपुलेशन में सबसे आगे हो गया, एंड ऑन दोज ग्राउंड्स ये जो मीडियन है ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। आपने मैथ्स में ये मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। चलिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि टैबलेट्स को यूज करके, सिर्फ आप ही अब टैबलेट्स नहीं यूज करते, गवर्नमेंट भी जो है अब पुराने टाइम से हट गई है, वो पुराने जो दर्दनाक पेंट हुआ करते थे गवर्नमेंट की वॉल्स के ऊपर, अब वो चीजें चेंज हो रही है, आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। नाउ अ यूनिक अटेम्प्ट टू डिजिटाइज हाउस होल्ड लेवल डेटा ट्रांसमिशन डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड वॉज ट्राइड वॉज अटेम्प्टेड। Now, जो मैंने आपको पहले ही बताया वो ये था कि डेटा ऑन द स्पॉट रियल टाइम बेसिस पे पोर्टल पे अपलोड हो रहा था। नाउ व्हाट इज द लाइवस्टॉक सेंसस? अल्टीमेटली हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड एंटरप्राइजेस, जैसे छोटे छोटे आप कह लीजिए कि सोसाइटीज होती हैं, कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल अमूल है, अमूल वॉज वंस अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे हैं, एंड नॉन हाउसहोल्ड एंटरप्राइजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अमूल हो गया, इसी तरीके से कुछ जैसे फार्मर्स की प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उस तरीके की जो एंटिटीज हैं, एंटायर एम्बिट ऑफ दोज पीपल जो कि कैटल रियरिंग में या लाइफ स्टॉक रियरिंग में अपना यू नो इकोनॉमी में हिस्सेदारी पाते हैं, all those people are included in this livestock census. सवाल prelims का ये बनता है कि क्या सारे के सारे सारे के सारे data include होते हैं livestock census में? Question ऐसे बनेगा कि that households are not included या household enterprises are not included, तो statement based question रहेगा इसमें, direct question ABCD वाला नहीं रहेगा, 1 and 2, 1, 2 and 3 उस type का question रहेगा, थोड़ा अच्छा level का सवाल इसमें से बन सकता है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। Now रूरल और अर्बन एरियाज दोनों इंक्लूडेड हैं। कहीं आप सोचें कि अर्बन एरियाज इंक्लूड नहीं होंगे, यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को रहती है, अर्बन एरियाज आर इंक्लूडेड। नाउ की रिजल्ट्स एंड चेंजेस सिंस द लास्ट सेंसस, पिछले सेंसस 2012 के सेंसस से अभी तक क्या ऐसे चेंजेस देखे गए हैं, यहां आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनता है। काउ पॉपुलेशन जो है, गाय की पॉपुलेशन बड़ी है, इट हैज रिजन बाय 18% इन द लास्ट 7 इयर्स, लेकिन अगर वहीं बैल की बात करें तो बैल बाबा जो है उनकी पॉपुलेशन जो है 30% घट गई है, दैट इज अ वेरी फिनोमिनल डिक्रीज। ये बैल जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल जो कि आपके उन खेतों में जहां पे मैकेनाइजेशन नहीं हुई है वहां एक इंपॉर्टेंट लेबर फोर्स का पार्ट होता है। अगर ये पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फार्मर्स इनकम एज वेल। या तो उसमें आप ये देखिए कि अगर आप ऑक्सन की पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं तो क्या साथ के साथ आपकी मैकेनाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही, तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों प्रोज एंड कॉन्स को साथ लेके चलना होगा, अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ There has been a spectacular increase of 16.8%. बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियनिज्म की तरफ भी जा रहे हैं जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग बहुत बढ़ रही है, एंड पोल्ट्री फार्मिंग के साथ ही बढ़ रही है पोल्ट्री की पॉपुलेशन 16.8%। उसी के साथ एक चीज और का खतरा हो रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि
poultries are one of the major sources of greenhouse gases in the world. Agriculture is one of the major contributors and uspe poultry is one of the major reasons. Secondly, आप देखें तो ज्यादातर poultries में, ज्यादातर ऐसे farms में जहां poultry को rear किया जाता है, जहां breed किया जाता है, वहां पे जो sanitary conditions हैं, जो hygienic conditions हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलती हैं. So on those grounds, it's a very, you know, a tricky business and उस वजह से आपको इसे अपने answers में include भी करना चाहिए. There has been a 46% rise in backyard poultry birds. जो लोग घर के पीछे, you know, अपने खुद के sustainable income sources के लिए, अगर कोई poultry की rearing करते हैं, breeding करते हैं, तो वो हाउसहोल्ड के बैकसाइड पे बैकयार्ड में करना शुरू कर देते हैं. वो उस चीज में राइज दिखा है 46% ज्यादा लोगों ने अब पोल्ट्री को जो है प्रेफर करना शुरू किया है. इनफैक्ट असम हैज रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट ग्रोथ इन द पोल्ट्री पॉपुलेशन. नाउ द नंबर ऑफ फीमेल कैटल रोज बाय 18%, लेकिन मेल कैटल में जो नंबर है वो डिक्लाइन आया, 47.4 मिलियन हुआ करता था, हो गया है, पहले 68% के आस 68 मिलियन के आसपास हुआ करता था. ये 68 मिलियन से 47 मिलियन आने का फायदा और नुकसान क्या है? अब ज्यादातर लोग फीमेल ब्रीड्स को प्रेफर कर रहे हैं, दैट मींस बोवाइन कैटल को, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है, उसे प्रेफर कर रहे हैं. लेकिन एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, दैट अल्टीमेटली इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी. एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी में अगर मेल कैटल की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, दैट मींस बर्डन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ, रादर द ह्यूमंस और द फैमिली मेंबर्स ऑफ द फार्मर्स. उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट, यू नो, एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाती है. इस तरीके से आपको सारे के सारे टॉपिक्स को कोरिलेट, इंटररिलेट करके अपने आंसर्स को तैयार करना है. चलिए, मेल टू फीमेल कैटल रेशो की अगर बात करें, तो कभी ये हुआ करता था 1.3% 1:3, अब ये मेल इज टू फीमेल का रेशो जो है 1:1.8 हो गया. ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, ये टेक्निकल, ये टाइपोग्राफिक एरर है, आई एम सॉरी अबाउट इट. बट 1:3 हुआ करता था रेशो, अब 1:1.8 हो गया है. ये 2019 के डेटा के हिसाब से, ये सर्वे के हिसाब से अल्टीमेटली इसमें डिक्लाइन देखा गया है. 6% डिक्लाइन इन द टोटल नंबर ऑफ इंडिजिनस कैटल देखा गया है. 6% डिक्लाइन इंडिजिनस कैटल की डिक्लाइन बेसिकली बहुत सारा यू नो पॉलिटिकल हीट अपहीवल भी देखती है. इनफैक्ट इसके पीछे कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में भी बातचीत चलती रहती है. बट अल्टीमेटली ये देखा जाए तो इसके कुछ फायदे भी हैं इंडिजिनस कैटल के, कुछ नुकसान भी हैं जिसको ओवरकम किया जाना चाहिए. वो हम इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस पूरे टॉपिक में एक होलिस्टिक अप्रोच के तरीके से एक नॉलेज, एक विजडम क्रिएट हो जाए. शीप और गोट की अगर बात करें, तो उन दोनों की पॉपुलेशन बढ़ी है. वहीं अगर आप बफलोज और पिग्स की बात करें, उनमें मार्जिनल डिक्लाइन आया है. बट वी शुड नॉट बी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस डिक्लाइन, क्योंकि थोड़ा सा ही डिक्लाइन है. नाउ ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर बात करें पॉपुलेशन ऑफ टोटल एक्सॉटिक या क्रॉस ब्रेड कैटल की, इट हैज इंक्रीज बाय अ व्होपिंग 27%, अप्रोक्सीमेटली 27%, 26.9% है. तो इस तरीके से आपको याद करना आसान हो जाता है. मैं अगर इसे याद करूंगा तो देर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ अबाउट अप्रोक्सीमेटली 30%. मैं इसको बोल के याद रख लूंगा ताकि मुझे आंसर राइटिंग में इजी हो जाए. तो जब अप्रोक्सीमेटली जैसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं अपने आंसर्स में, तो आपको इस वजह से पकड़ा नहीं जाता है कि आपने कुछ गलत लिख दिया. नाउ कारण क्या है? कारण ये है, देर हैज बीन अ कंटिन्यूअस फॉल इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स. पहली चीज, जो इंडिजिनस ब्रीड्स है उनमें रिसर्च जो है उसमें डिक्लाइन आया था, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा था कि अल्टीमेटली जो एक्सॉटिक ब्रीड्स है कंपैरिजन में वो ज्यादा दूध दे रही है, वो ज्यादा आपको यील्ड दे रही है. सेकेंडली, अनलाइक काउस, इफ दीज एनिमल्स बिकम अनप्रेडिक्टिव, दे कैन बी सोल्ड एंड स्लॉटर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. जहां आपकी इंडिजिनस ब्रीड है या मान लीजिए गायें हैं, चाहे एक्सोटिक भी है, तो उन ग्राउंड्स पे ये देखा जाता है कि जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं या जो क्रॉस ब्रेड है, उन्हें स्लॉटरिंग के लिए भी बेचा जा सकता है, उन्हें फर्दर बेचा भी जा सकता है, उनकी स्किन्स को, उनकी हाइड को बेचा जा सकता है, उनको मीट पर्पजेस के लिए एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है. इनफैक्ट दिस वुड बी अ सरप्राइज के इंडिया जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड. नाउ
और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम देखते हैं अपने एग्जॉटिक ब्रीड्स वर्सेस इंडिजिनस ब्रीड्स में. तो जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो ये कहा जाता है, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं दैट दे कुड हैव लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स बिकॉज द मिल्क ऑफ इंडिजिनस ब्रीड हैज हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू. जहां पे आप न्यूट्रिशनल सेफ्टी की बात करते हैं, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहां पे इंडिजिनस ब्रीड्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. मोर ओवर देयर इज अ डेंजर ऑफ लूजिंग दीज इंडिजिनस ब्रीड्स, क्योंकि अब इनकी रेयरिंग जो है वो कम होती जा रही है, इनकी ब्रीडिंग अब कम होती जा रही है. एंड इन फैक्ट अगर आप नोटिस करें कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो आपको इंडिजिनस ब्रीड्स की जरूरत है, अगर आपको फार्मर्स की इनकम इंश्योर करनी है तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए आपको इंडिजिनस ब्रीड्स की जरूरत है. इन फैक्ट अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्पीटस देना है तब भी आपको इन कैटल के ऊपर फोकस करना चाहिए. नाउ स्टेटस, स्टेट रिपोर्ट ऑन लाइफ स्टॉक. अगर लाइफ स्टॉक की बात करें स्टेट्स के हिसाब से, नाउ दिस इज अ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको वैसे याद आ जाए या आपके स्टेट सर्विसेज में काम आ जाए तो इसका ख्याल रखिएगा. इनफैक्ट जो छोटे लेवल के एग्जाम्स है वो इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस स्लाइड को यूज करेंगे. यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक का शब्द का खास ख्याल रखिएगा बिकॉज इट इज नॉट कैटल, इट इज लाइव स्टॉक. दूसरा स्टेट है राजस्थान, तीसरा स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, एंड लाइव स्टॉक में इट इज वेस्ट बंगाल. अदरवाइज अगर आप कैटल की बात करेंगे तो वो वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट नंबर फॉलोड बाय यूपी. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइव स्टॉक रियरिंग एज अ टॉपिक एंड इनफैक्ट एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इकोनॉमी. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सोशियो इकोनॉमी और कल्चरल, तीनों आस्पेक्ट्स में जो लाइफ स्टॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कल्चर के हिसाब से बात करें तो हम गाय की पूजा करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो गाय के दूध से, भैंस के दूध से एंड बकरी के दूध से इनकम जनरेट होती है. वो उस समय फार्मर को मदद करती है जब फार्मर जो है क्रॉप की यील्ड से अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है. एंड उसके अलावा अगर सोशल आस्पेक्ट्स की बात करें तो सोशल आस्पेक्ट्स में ये एक इन्वॉल्वमेंट देती है. दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर फंक्शन इन द इकोनॉमी जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स का फार्मर्स के साथ टाई अप होता है, फार्मर्स की इनकम जनरेट होती है, वहां पे अल्टीमेटली आपको विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलती है बिकॉज विमेन आर द मोस्ट एम्प्लॉयड लेबर फोर्स इन एज फार एज जेंडर इज कंसर्न इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. इनफैक्ट अगर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को देखें इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज में ज्यादा है, अबाउट 36-37% के आसपास है. एंड अगर आप उसकी कंपेरिजन में अर्बन एरियाज में देखें तो वो सिर्फ 26% के आसपास है. 10% का फर्क है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, रूरल में ज्यादा है. कारण क्या है कि ज्यादा महिलाएं और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड हैं. नाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द फैमिलीज न्यूट्रिशन. दूध घर का होता है. हरियाणा के बारे में अगर बात करें तो ये कहा जाता है देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना. नाउ दूध और दही का खाना वो न्यूट्रिशनल आस्पेक्ट्स जो है वो कवर होते हैं. इनफैक्ट दही में यू फाइंड फॉस्फरस जो जनरली बाकी सारे फूड आइटम्स में इजिली अवेलेबल नहीं होता है. क्राई ऑफ डिस्ट्रेस, ये 2013 के NSSO के डेटा के हिसाब से पता चला है. NSSO सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स, इसने ये बताया देयर हैज बीन अ 52% ऑफ फार्मिंग हाउसहोल्ड्स विच आर इनडेटेड. मतलब करीब करीब 100 में से 52 परिवार ऐसे हैं एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स जो कि इनडेटेड हैं, जिनके ऊपर कर्ज है. ऐसे में लैक ऑफ कॉम्पनसेशन ड्यूरिंग ड्रॉट एंड डिजास्टर्स, इनफैक्ट फेलियर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, डेफिसिट ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस, ये सारी चीजें एक फार्मर के ऊपर एक डिस्ट्रेस, एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट कर देती हैं. उस प्रेशर को दूर करने के लिए दो स्टेट्स हरियाणा और मध्य प्रदेश ने कुछ स्कीम्स चलाई थी, उनका मैं यहाँ नाम लिख रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल एमपी के केस में भावांतर भुगतान योजना थी, एंड हरियाणा के केस में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर सेप्टेम्बर अक्टूबर के आसपास इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था, भावांतर भरपाई योजना. भावांतर भरपाई योजना और भावांतर भुगतान योजना कुछ नहीं है कि अगर मार्केट प्राइस आपकी एमएसपी से, एक एमएसपी हो गया एक मार्केट प्राइस हो गया. एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है
डिसाइड कौन करता है इसको भी देख लेते हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2 साल लगातार इसके ऊपर सवाल पूछा है। एक सीएसीपी है वो ये डिसाइड करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में उसकी फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। सीएसीपी बताता है कि एमएसपी कितना होना चाहिए, वो कैलकुलेट करके देता है। नाउ कैलकुलेशंस इज बेस्ड ऑन एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूला, ये लिखते रहिएगा, ये प्रीलिम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। नाउ एमएसपी जो है अल्टीमेटली डिसाइड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है बाय सीएसीपी, और वो सीएसीपी वो कैलकुलेटेड प्राइस को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को भेजता है, वो बाद में जाके इसे अप्रूव करता है। नाउ आफ्टर द अप्रूवल ये देखा जाता है कि अगर वो मार्केट प्राइस से ज्यादा है, मार्केट प्राइस अगर एमएसपी से कम है, तो ये जो दोनों स्कीम्स हैं, ये दोनों की दोनों स्कीम्स वो डिफरेंस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पे फार्मर्स को देने की बात करती हैं। दैट इज हाउ भावांतर भुगतान योजना, भावांतर भरपाई योजना आर इंश्योरिंग इनकम्स टू द फार्मर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, एंड इनफैक्ट इसमें से एक सवाल निकल के आता है जो कि थोड़ा मेटा स्टडी के ऊपर, मेटा फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा डीप है। सवाल सोचिएगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं, आई वुड डेफिनेटली रीड दैट कमेंट एंड मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा, आपके आंसर्स को इवैल्यूएट भी करूंगा। नाउ इफ यू कंसिडर कि इंडिया इज शिफ्टेड, अगर 1947 से अभी तक की बात करें, तो इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्री को फोकस किया, एंड अल्टीमेटली एक्चुअल सेंस में 2002 के आसपास हमने एग्रीकल्चर को वापस से प्राइम मूविंग फोर्स बनाया था। नाउ आज के इस वेलफेयर स्टेट के युग में, ये हिंदी में भी है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी समझिएगा इसका, आज के वेलफेयर स्टेट के युग में एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से बैलेंस आउट करके रखना चाहिए, स्पेशली एज फार एज अ कंट्री लाइक इंडिया इज कंसर्न्ड, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज को इंटरलिंक करके किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है, इस तरीके का सवाल बन सकता है। इनफैक्ट ये पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में, यूपीएससी में ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में रिपीट होगा। नाउ मेक श्योर आप अपने आंसर्स कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। Now, diversification of incomes, income sources, ये एक फायदा दे सकता है। Using the livestock, आप farmers की जो income sources हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं, ताकि ultimately एक जगह अगर crop failure हो भी जाता है मान लीजिए, तो आपको उससे नुकसान ज्यादा ना हो। Now, labor force की अगर बात करें, अगर आप महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, women empowerment करना चाहते हैं, तो चलो एक particular politician है उसको ये term ज्यादा पसंद है, but ultimately एक socialist economy में विमेन की जो आपकी अल्टीमेटली एम्पावरमेंट है, दैट वुड अल्टीमेटली हेल्प द एंटायर जीडीपी एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ दैट स्टेट। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट करते हैं, मान लीजिए 33% हम विमेन रिजर्वेशन कर देते हैं, या हमारी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है विमेन की मेन के कंपैरिजन में बराबरी में अगर आ जाती है, तो ये मान के चलिएगा कि हमारे जीडीपी में करीब करीब 5-6% का इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली अगर इस लाइवस्टॉक सेंसस की अगर आप बात करें, तो लाइवस्टॉक सेंसस के हिसाब से ये देखा जाएगा कि अल्टीमेटली अगर आप लाइवस्टॉक के ऊपर थोड़ा फोकस करके पॉलिसीज डिजाइन करते हैं, तो अल्टीमेटली वो आप लेबर फोर्स के ऊपर जो आपने प्रेशर डाला हुआ है, वो प्रेशर इस लाइवस्टॉक के ऊपर आ सकता है, एंड दे कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स एज वेल। सेकेंडली रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है, देखो क्रॉप फेल हो सकती है लेकिन गाय भैंस बकरियां दूध जरूर देंगी, तो अल्टीमेटली एक सोर्स ऑफ इनकम है जो इसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। इनपुट कॉस्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड, इनफैक्ट डंग एंड अदर रेमिनेंट्स ऑफ द लाइव स्टॉक दे एक्ट एज ग्रीन मैन्योर, अ सब्स्टिट्यूट फॉर फर्टिलाइजर्स, एंड उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें निकल के आती हैं, नॉट जस्ट काउ डंग, उसका सर्टन aspects, फॉर example, जो प्रेगनेंट काउज होती हैं उनका जो दूध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो छोटे बच्चों को अगर दिया जाता है तो उससे बच्चों को प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी तादाद में मिल सकते हैं, अगर छोटे बच्चों को वो दूध पिलाया जाए तो उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है अचीव कर सकते हैं। एंड एसेट टू रूरल हाउसहोल्ड्स, अगर इसके इकोनॉमिक्स की भी बात करें, नॉट जस्ट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक्स की भी अगर आप बात करें, तो इट कैन बी एन एसेट टू दीज रूरल हाउसहोल्ड्स। इनफैक्ट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में हमने सारी बात कर भी ली है, लेकिन अब देखते हैं कि एक्चुअल मुद्दा है क्या। पहली चीज,
पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स, ब्रीड्स की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, श्रिंकिंग पैस्चर लैंड, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा पैस्चर लैंड को हम लोग लैंड यूसेज को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन। इसकी वजह से एक चीज हो रही है, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कन्वेंशन है जो इस चीज को कवर करता है। LDN, लैंड डिग्रेडेशन नेटवर्क, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल हमारा कन्वेंशन है, ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस है, ऐसा कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जो इसके ऊपर काम कर रही है। पिछले साल के हिसाब से ये प्रीलिम्स में पूछा जाना चाहिए था, इनफैक्ट यूपीएससी इस साल इसके ऊपर सवाल पूछ सकती है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ, लो प्रोडक्टिविटी है, देयर इज अ ह्यूज डेफिसिट ऑफ गुड क्वालिटी फॉडर, फॉडर अच्छा नहीं मिलता है तो यील्ड अच्छी नहीं होती है। स्प्रेड ऑफ डिजीज अमंग द कैटल, कैटल में डिजीजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इनफैक्ट एक फुट एंड माउथ डिजीज होता है, उसके बाद कुछ रस्ट वाले डिजीजेस होते हैं, अल्टीमेटली उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी यील्ड जो है कम हो जाती है। देयर इज एन एक्सेसिव नंबर ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल्स विच कम्पीट विद द प्रोडक्टिव वंस इन यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फीड्स एंड फॉडर। तो जो अनप्रोडक्टिव है और जो प्रोडक्टिव है उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन है। चार्ल्स डार्विन्स की थ्योरी, मुझे डार्विन की थ्योरी मुझे याद आती है जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई थी। नाउ लेट मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी की बात करें तो इंडिजिनस ब्रीड्स जो है उनको थोड़ा टाइम लगता है कि जहां पे वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं, यील्ड की तरफ जाते हैं। वेटनरी हेल्थ केयर सेंटर्स की अगर बात करें तो वो भी इंडिया में बहुत कम है। जो कैटल पॉपुलेशन इज टू हमारा वेटनरी इंस्टीट्यूशंस का रेशियो है वो बहुत वाइड है, वो गैप बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये कैटल की तो बात छोड़ी दीजिए, इंसानों के लिए भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो उसमें भी बहुत ज्यादा गैप है। इनफैक्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर की, मेक इन इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं। इंडिया इज टू बी द हब ऑफ फार्मेसी, इंडिया इज टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज टू बी द डेस्टिनेशन मेडिकल टूरिज्म में, बट अल्टीमेटली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल हाउसहोल्ड्स उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। इनफैक्ट आपसे यही अनुरोध होगा जब आप IAS IPS ऑफिसर्स बनते हैं तो उससे रिलेटेड काम जरूर कीजिएगा, गरीब की दुआएं लगेंगी। नाउ अनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ कैटल शेड, कैटल शेड में अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, साफ सफाई नहीं है, इस वजह से भी डिजीजेस फैलते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर फार्मर एंड इंडस्ट्री कनेक्टिविटी, जहाँ फार्मर अपने मिल्क प्रोड्यूस को यहाँ आसपास के एरियाज में बेच के ही खुश हो जाता है, हमें फार्मर को अल्टीमेट इंडस्ट्री जो उस रॉ मटेरियल उस फार्मर प्रोड्यूस को यूज करके उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, फॉर एग्जांपल दूध से दही बनती है, घी बनता है, जो सारी चीजें आप कंपनीज से लेते हैं, तो उस कनेक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो सके। आप बात करते हैं 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने की, दिस कैन बी वन प्लेटफॉर्म। लो नंबर ऑफ अपीडा अप्रूव्ड, अपीडा की क्या फुल फॉर्म है, ये कौन कौन से एक्सपोर्ट्स की बात करता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली इसे डिस्कस भी करेंगे। लो नंबर ऑफ अपीडा अप्रूव्ड एबेटवार्स, एबेटवार क्या होता है अल्टीमेटली, उसे स्लॉटर हाउस को एक टेक्निकल टर्म है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा अच्छी इंग्लिश भी जान लेनी चाहिए, स्लॉटर हाउस या कसाई खाना। हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं जिसकी वजह से रॉ मटेरियल जो है अल्टीमेटली उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, लैक ऑफ R&D इन द सेक्टर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चाहिए क्या, करना क्या चाहिए ये देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड क्या कहता है, अल्टीमेटली आपको एक नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी चाहिए, वो नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस कैटल के लिए पर्टिकुलरली फोकस होनी जरूरी है, बाकी जो बोवाइन और एक्सोटिक ब्रीड्स हैं वो अलग अलग मिशंस के तहत यूज उसके ऊपर काम चल रहा है, मिशंस हैं, अगर अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं वो चल रहा है, लेकिन इंडिजिनस ब्रीड्स के ऊपर आपको स्पेशली ये काम शुरू करना होगा नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी का। बफलो ब्रीडिंग ऑट टू बी गिवन मोर अटेंशन बिकॉज वो ज्यादा यील्ड देती है। पोल्ट्री ब्रीडिंग शुड बी फोकस्ड ऑन कंजर्वेशन, यहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज का ख्याल रखना पड़ेगा, वहां पे सैनिटरी कंडीशंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को हाथ में हाथ मिला के अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट शुड बी एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शेड्यूल 7 में कौन सी लिस्ट में आता है ये लाइव स्टॉक का टॉपिक, फर्स्ट लिस्ट में आता है, सेकेंड में आता है, थर्ड में आता है, नाम जरूर बताइएगा उस लिस्ट का। नाउ GIS,
ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड एनालिसिस कीजिए कि किस एरिया में लाइफ स्टॉक ज्यादा है, किस एरिया में लाइफ स्टॉक कम है। उस चीज को इस बार यूज भी किया गया, अल्टीमेटली सेंसस में ये बताया गया कि कहां कहां सबसे ज्यादा पिग्स की पॉपुलेशन है, गोट्स की पॉपुलेशन है, शीप की पॉपुलेशन है। उस तरीके से आप GIS इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कीजिए। एंड अल्टीमेटली एनिमल हेल्थ केयर सेंटर्स बनने चाहिए, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड कीजिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए, स्पॉन्सर R&D एंड असेसमेंट, R&D और असेसमेंट को स्पॉन्सर करना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की, इसके सेलियंट फीचर्स क्या है। बहुत सिंपल है लाइफ स्टॉक मिशन, इसके ऊपर आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट आ सकती है कि इंडिया का जो लाइफ स्टॉक मिशन है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सच एंड सच ईयर। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये किस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल ग्रोथ की, फार्मर्स को इनकम इंश्योर करने की, मोर एरिया कवरेज की बात करता है, क्वालिटी ऑफ फॉडर इंक्रीज करने की बात करता है, टेक्नोलॉजी प्रमोशन की बात करता है इन द एंटायर लाइफ स्टॉक सेक्टर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग इन लाइन विद डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब जहां पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यील्ड आ रही है, उसका आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से किस तरीके से स्टोर करना है, इसमें बात आती है आपके वेयर हाउसेस की, जहां पे आप अल्टीमेटली उस क्रॉप को स्टोर करेंगे। नाउ और क्या क्या ये बात करता है, एक्सेलरेटिंग प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी फॉडर एंड फॉडर सीड्स, सीड प्रोडक्शन के ऊपर काम करने की बात करता है, सीड प्रोडक्शन चेन की बात करता है, मतलब न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स। यहाँ पे एक टॉपिक था जिसमें आई थिंक 2013 के ऊपर भी सवाल आया था, सुइसाइडल सीड्स, ये क्या होती हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये सीड्स एक बार के यूज के बाद सुइसाइड कर लेती हैं। नाउ कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी अमंग ऑनगोइंग प्लान प्रोग्राम्स, जितने भी प्लान एंड प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी कन्वर्जेंस आनी चाहिए, थोड़ी सिनर्जी आनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली ऑन दोस ग्राउंड्स आपको ये देखना पड़ेगा। अप्लाइड रिसर्च पे आपको काम करना चाहिए, उसके बाद प्रमोटिंग अप्लाइड रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट फंक्शनरीज एंड लाइफ स्टॉक ओनर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट फंक्शनरीज, जहां पे आपके जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, अगर लाइफ स्टॉक बोर्ड भी मान लीजिए आप क्रिएट करते हैं तो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कुछ कुछ डिसीजंस खुद से ले सके, ऑटोनोमस नेचर उनका बनाना चाहिए। अस्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करने की कही गई है। नाउ Promoting initiatives for conservation and genetic upgradation of indigenous breeds. अब indigenous breeds of livestock के ऊपर specific focus करके आपको genetic rearing, उनकी genetic modification, upgradation की बात कही गई है, ताकि आप उस breed की, उस cattle की ultimate yield को आप improve कर सकते हैं, उसकी longevity बढ़ा सकते हैं। In collaboration with farmers, farmer producer groups, cooperatives, FPOs, farmer producer organizations. एक्सेप्ट बोवाइंस, क्योंकि अल्टीमेटली बोवाइंस जो है वो खुद से मिनिस्ट्री की एक अलग स्कीम के अंदर किए कवर किए जा चुके हैं। एनकरेजिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स एंड कोऑपरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस, इसको आपने इंक्रीज करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग को एक इम्पीटस देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग को आपको इम्पीटस देना पड़ेगा। नाउ प्रोमोटिंग इनोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट्स, पायलट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम बहुत कम किया गया है। इनफैक्ट R&D इंस्टीट्यूट्स को अल्टीमेटली फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर आप लिंक करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ प्रमोशन देखने को आपको देखने को मिल सकती है। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस एंड मार्केटिंग प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन फॉरवर्ड लिंकेजेस, इस तरीके की चीजें अगर आप आंसर्स में भी लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको यूज करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की लिंकेजेस होनी चाहिए, अल्टीमेटली जहां प्रोड्यूस हो रहा है उसको मार्केट करने वाली जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप्स होने चाहिए, प्रॉपर लिंकेजेस होने चाहिए। प्रमोटिंग रिस्क मैनेजमेंट, ताकि अगर कभी भी यील्ड कम हो तो उसको कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अश्योर कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स की बात की गई है। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल कैन बी वन वे आउट। नाउ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एनिमल डिजीजेस, प्रोमोटिंग फूड सिक्योरिटी, ये सारी बातें हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं। एनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन,
जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा यूथ को अनएम्प्लॉयड देखते हैं, वहां पे अगर आप, क्योंकि दिस इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडिया में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, अगर आप लेबर को इंक्लूड करके किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दर भी गिर सकता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, और अल्टीमेटली वही सारी चीजें आपके जीडीपी में एक हिस्सेदारी बनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर पे सामने आ सकती है। अगर कंक्लूड करूं इस लेक्चर को तो अल्टीमेटली ग्रोथ इन लाइफ स्टॉक सेक्टर इज डिमांड ड्रिवन, इंक्लूसिव एंड प्रो पुअर, इसमें कोई दो राय नहीं। द एक्सटेंट टू विच द पोटेंशियल ऑफ लाइफ स्टॉक कैन बी हार्नेस्ड एंड वुड डिपेंड एंड depend on how technology is used, institutions are used, policy and financial support is used to address the certain constraints जो कि ये sector face करता है। Technology हो गई, financial constraints की बात हो गई, institutions और policies की बात हो गई, ये सारे चीजों को अगर आप cover करते हैं तो ये sector farmers की income को double करने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। अब बारी आती है आज के सवालों की, तो आज के सवाल ये रहे आपकी screens के ऊपर। पहले, livestock wealth and livestock wealth is central to rural economy in India. Critically analyze the importance of livestock with reference to climate change narrative. तो यही चीजें हमने अभी डिस्कस भी की हैं। आंसर्स में अपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स में इंक्लूड कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन ऐड कीजिएगा, बिकॉज इट इज अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस। तो प्रोज कॉन्स एंड देन आपका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, वे फॉरवर्ड जैसे मैंने दिया आपका भी होना चाहिए। India's agrarian economy has come a long way from Indus Valley civilization. Indus Valley civilization, I think आप history के lectures में cover कर चुके होंगे, and in fact आपको interest भी रहा होगा Indus Valley civilization से related. India's agrarian economy has come a long way from Indus Valley civilization times. Discuss the challenges and ways to overcome them in this sector in a present day welfare state like India. आज के किसी वेलफेयर स्टेट की बात करें, पर्टिकुलरली जैसा इंडिया है, तो उसमें आप चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करेंगे, ये उस चीज की बात करता है। चलिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म को पसंद कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने, नहीं भी बताएंगे तो हम कोशिश करते रहेंगे कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इस पूरे सेक्शन में कवर करते रहें। अभिपीडिया को पसंद करने के लिए थैंक यू। आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, देखते रहिए अभिपीडिया।